दादी साहब, जिसके लिए मैं वापस आई वही मुझे अगर अपनी जिंदगी में रखना नहीं चाहता तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं आप सबकी जिंदगी से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते। अच्छा आओ मेरे साथ, आ जाओ बैठो। बहुत कुछ हो गया ना इस घर में। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, ये सब तुमने देखा है, सहा है, अब भी सह ले। परिधि, तुमने जो कुछ भी राजवीर से कहा ना, मुझे तुम्हारी सारी बातों पर यकीन है, पर ये बात मैं अपने परिवार को नहीं समझा सकती। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा बेटा। देख, वो दोनों पिशाचिनियां चली गई ना, बुरा वक्त गुजर गया ना, तो बेटा ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन दादी साहब, वो 6 महीने, 6 घंटे में 6 महीने कैसे बीत गए, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, कुदरत में, दुनिया में कई चीजें ऐसी बनी हुई जो आज भी राज है, जो समझाई नहीं जाती। कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब है ही नहीं, पर वक्त आने पर तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। परिधि जी, तुम यही रहोगी इस घर में, कहीं नहीं जाओगी। वो आत्माएं मर गई तो क्या हुआ, मैं जानती हूँ तू आज भी इस घर का कवच है। कबीर, हम ऐसे फोन में बात नहीं कर सकते, हमें मिलना होगा। और 2-2.5 महीने हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए हो। ये अकेले मैं नहीं संभाल सकती, और तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। प्लीज कोई सलूशन निकालो, हमें कुछ तो करना होगा यार। देखो श्रेया, तुम मेरी प्रॉब्लम समझती हो ना, जितनी जल्दी की तुम बात कर रही हो उतनी जल्दी क्या तो पॉसिबल ही नहीं है। पर कबीर, जल्दी तो है ना। कबीर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बुआ, बुआ, देखो ना, मेरे डॉल का हाथ टूट गया, कुछ करो ना। जाओ ग्लू लेके आओ टिप्सी। हाँ, अच्छा इसे क्या रखूं? वहां रख दो। हो जाएगा ना, डेडलाइन से पहले ही आपका काम हो जाएगा। ओके, आप क्या जल्दी आ गई? क्या हुआ, सब ठीक है ना? किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं यार, काम की बात, काम का फोन था। वो क्या है ना, नए प्रोजेक्ट्स, नई डेडलाइंस, रोज नया एक टारगेट पूरा करना है मुझे। एनीवेज, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाता हूँ। कबीर, माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आऊंगा। हाँ?
पानी पी लीजिए। बुआ बुआ मैं ग्लू ले आई। जाओ लेके आओ अपने डॉल। अरे यहीं तो रखी थी मैंने डॉल। कहाँ है यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रही। अरे बुआ मैंने यहीं रखी थी विंडो पे डॉल। लेकिन विंडो पे तो नहीं है ना, तुम खुद भूल गई हो कहाँ रखी है तुमने टिप्सी। प्लीज जाओ, एक काम करो आप भी सो जाओ, तुम्हारी डॉल कल ढूंढ लेंगे। जाओ टिप्सी। टिप्सी यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके कमरे में मिल्क लेके गई थी, दूध पीने का टाइम हो गया। गुड गर्ल जल्दी से दूध फिनिश करो। नहीं पीना मुझे दूध। क्यों नहीं पीना? सब मुझे छोड़ के चले जाते, पहले पापा चले गए, अब मेरे डॉल भी मुझे छोड़ के चली गई। डॉल कैसे चलेगी, डॉल आपको छोड़ के थोड़ी ना जा सकती है। नहीं वो चली गई, रिया बुआ के रूम में मैंने विंडो पे रखी थी, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई, वो वहाँ पे है ही नहीं। गायब नहीं, वो वहाँ से नीचे गिर गई। हमें काम करते हैं, हम फटाफट गार्डन में जाके आपकी डॉल ढूंढते हैं। सच्ची आप ले आओगे मेरी डॉल? लेकिन प्रॉमिस करो डॉल मिलने के बाद आप फटाफट ये दूध फिनिश करोगे। प्रॉमिस। चलो हम आपकी डॉल ढूंढ कर लेके आते हैं। आ जा। गुड गर्ल, ऐसे अच्छे बच्चे रोते थोड़े हैं। वो देखो श्रेया दीदी की खिड़की, अगर वहाँ से आपकी डॉल गिरी है तो यहीं कहीं गिरी होगी। हाँ लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं टिप्सी, तुम उधर जाके ढूंढो और चाची उधर जाके ढूंढेगी, ठीक है? चल गुड गर्ल। वो देखो ब्लू ब्लू कलर, मुझे लगता है आपकी गुड़िया मिल गई। ये मुझे मेरी डॉल मिल गई। ये तो ब्लू रुमाल निकला। ओहो चाची प्रॉमिस करती है कि मैं आपको वैसी गुड़िया लाके दूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। अभी जाके सोए, बहुत रात हो गई है। गुड गर्ल चलो। चलो अभी गुड गर्ल टिप्सी जल्दी से सो जाओ। बहुत रात हो गई है। चाची आप मेरे साथ यहीं रुको ना। अच्छा ठीक, चाची कहीं नहीं जाएगी। ओके सो जाओ। कहाँ चली गई?